हेलो फ्रेंड्स, 20 फीट बाई 30 फीट का ये बिल्डिंग प्लान है। इसमें 2 बेडरूम है, 2 BHK हाउस प्लान है। तो ये नॉर्थ फेसिंग है, तो नॉर्थ इस तरफ आएगा और इस तरफ साउथ आएगा और इस तरफ वेस्ट और ईस्ट इस तरफ आएगा। तो प्लान का इस तरफ आएगा 20 फीट और इस तरफ आएगा 30 फीट। ये वॉल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है और इधर बाहर का जो वॉल आएगा वो 10 इंच का आएगा और ये इनसाइड वॉल जो होगा वो 5 इंच का होगा। ठीक है, आउटसाइड वॉल जो होगा 10 इंच का और इनसाइड वॉल जो आएगा वो 5 इंच का। तो आइए इसका डिटेल्स देख लेते हैं। तो पहले मेन एंट्रेंस इधर होगा, इधर डोर होगा इस तरफ। तो उसके बाद लेफ्ट में मिलेगा किचन, किचन है लेफ्ट में, इधर किचन का डोर मिलेगा। उसके बाद इधर इधर मिलेगा डाइनिंग, ड्राइंग मिलेगा, ड्राइंग और लिविंग बोल सकते हैं, और इसको लॉबी भी बोल सकते हैं। तो इधर पूजा मिलेगा, पूजा रूम। तो इधर बेडरूम मिलेगा, फर्स्ट बेडरूम, इधर 2 बेडरूम है। इधर बेड का डोर आएगा और इस बेड का डोर इस तरफ आएगा। ठीक है, तो प्लान मेरे हिसाब से किया हूँ, 30 फीट बाई 20 फीट बाई 30 फीट का ये बिल्डअप एरिया है, ये बात है, बात एंड WC है। तो इधर इसका डोर आएगा। ठीक है, ये बेडरूम है। तो अब इसके मेजरमेंट्स देख लेते हैं। स्टेयर केस है, स्टेयर का इस तरफ आप है। ठीक है, और आप इस तरफ से भी आप कर सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं होगा, इस तरफ से भी आप कर सकते हैं। तो इधर का जो विड्थ है वो 3.5 फीट है इस तक, और इधर का जो लेंथ है वो 7 फीट आएगा इस तरफ। तो उसके बाद किचन के बात करते हैं। किचन इस तरफ आएगा 8 फीट और इस तरफ जो है यह आएगा 7 फीट, और इधर का जो पैसेज आएगा और 3 फीट का आएगा। उसके बाद इधर डाइनिंग के बात करते हैं। डाइनिंग में हम लोगों को इस तरफ मिलेगा 10 फीट, इस तरफ 10 फीट मिलेगा और इस तरफ जो है हम लोगों को 9 फीट मिलेगा। और सेम टू सेम इधर ड्राइंग में भी इस तरफ हम लोगों को 10 फीट मिल जाता है, तो इस तरफ 9 फीट मिलेगा। और पूजा रूम का इस तरफ जो एरिया है वो लेंथ है, सॉरी, लेंथ मिलेगा आपको 5 फीट और इस तरफ जो लेंथ है 4 फीट का मिलेगा। और इधर बात का जो है, बात का इस तरफ 7 फीट मिलेगा और इस तरफ 4 फीट। बेडरूम 10 फीट बाई 10 फीट, इस तरफ 10 फीट और इस तरफ भी 10 फीट ही आएगा, और इसमें भी इधर 10 फीट और इधर 10 फीट मिलेगा। ठीक है, तो विंडो की बात करते हैं। इधर लैंडिंग के ऊपर एक विंडो है, इधर एक विंडो आएगा, सेकेंड टू
थ्री विंडो, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन विंडो है, और इधर जो है बात का वेंटिलेशन आएगा। पूजा में कोई विंडो नहीं है, इधर लगा सकते हैं और नहीं लगा सकते हैं, जो आपका मर्जी। और आप देख लेते हैं इधर इसका कॉलम पोजीशन से देख लेते हैं। कॉलम जो आएगा पहले इधर एक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 12। ठीक है, साइज जो आएगा 10 इंच बाय 10 इंच का आएगा, और फुटिंग आएगा, फुटिंग जो आएगा ये है 5 फीट बाय 5 फीट बाय 10 इंच। ठीक है, तो अब इसका मेन डोर को डोर्स के बात कर लेते हैं। मेन डोर जो आएगा वो आएगा 3 फीट बाय 7 फीट, और बेडरूम का जो डोर है बेडरूम का डोर आएगा 3 फीट बाय 7 फीट, किचन का डोर आएगा 3 फीट बाय 7 फीट, और बाथ का डोर आएगा 2.5 फीट बाय 7 फीट का। ठीक है, तो पूजा का डोर थोड़ा बड़ा है, पूजा का 4 फीट का आ जाएगा। पूजा डोर आएगा 4 फीट बाय 7 फीट का। ठीक है, तो आप इसका विंडो बात कर लेते हैं। विंडो जो आएगा विंडो इधर जो विंडो है इस विंडो आ जाएगा 4 फीट बाय 4 फीट का, और किचन का जो विंडो आएगा वो आएगा 3 फीट बाय 4 फीट का, और वेंटिलेशन जो आएगा वो 14 इंचेस बाय 14 इंचेस आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसे कॉस्ट के बात कर लेते हैं। बिल्डिंग कॉस्ट जो आएगा, बिल्डिंग कॉस्ट आएगा इसका 10 लाख, आपको 9 लाख प्रोवाइड करना पड़ेगा। 9 लाख, 9 to 10 लाख आएगा आपका, जिस एरिया में आपका घर बनेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कितना कॉस्ट आएगा। ये नॉर्मली ये 9 लाख to 10 लाख आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो और प्लान अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही नए नए प्लान्स इस चैनल में आता रहेगा। ठीक है, बाय बाय, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।